फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। आज हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी जो टेंशन हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। किसी ना किसी टेंशन में हम लगातार घिरे रहते हैं, लाइक बच्चों की स्टडीज़, करियर, हेल्थ इश्यूज़, सोशल स्टेटस, लगातार कोई ना कोई टेंशन हमें घेरे ही रखती है। बेवक्त सोना, बेवक्त उठना, बेवक्त खाना, और खाना भी ऐसा जो हमारी हेल्थ इश्यूज़ को लगातार ख़राब करता जा रहा है। इसीलिए अब हमें चाहिए कि कुछ ऐसी कॉन्शियसनेस या कुछ ऐसी सूझबूझ जो हमारे काम के साथ साथ हमें एक सुकून भरी ज़िंदगी भी प्रोवाइड करे। तो इसके लिए मैं लाई हूँ आपके लिए 5 टिप्स जो आपको टेंशन्स भी ख़त्म करेगी और आपकी हेल्थ इश्यूज़ को भी ख़त्म कर देगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि आपको अपने डेली रूटीन में आसन और प्राणायाम शामिल करना है, या कोई भी ऐसा वर्कआउट करना है जो आपको अच्छा लगता हो। आप वॉक कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो, आप अपनी डेली रूटीन में ऐसी चीज़ों को शामिल करें और अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें। इससे आपका पैसा भी बचेगा और जो दौड़ धूप आप पैसा कमाने में यूज़ करते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जितने हॉस्पिटल्स के चक्कर या डॉक्टर्स के पास जाने का जो समय वेस्ट होता है वो भी आपके लिए सेव हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कि आप ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा ना करें। अब आप कहेंगे कि हमारा धन तो ज़रूरत से हमेशा कम ही रह जाता है, क्योंकि आज हमें 20,000 का फ़ोन चाहिए, कल 40 का और परसों 80 का। आज हम एक फ्लैट में रहते हैं, कल बंगलों में रहना चाहते हैं। तो इस तरह से जो हमारी बढ़ती हुई जो ज़रूरतें हैं वो भी हमारे टेंशन का कारण बन रही हैं, कि जितनी हमारी जो टेंशन्स, जितनी भी हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं वो हमारी टेंशन्स को बढ़ा रही हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी ज़रूरतों पे लगाम लगानी है और ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, हम ये कह सकते हैं हमें अपनी आत्मा की शुद्धता पे ध्यान देना है। अब आप कहोगे कि हमारी आत्मा तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में बसी हुई है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आत्मा की शुद्धता का मतलब है कि आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलें, और जब आप सच बोलेंगे तब आपका एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपके अंदर, और आप एक ईमानदार बन जाएंगे और आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और आप एक संतुष्ट जिंदगी, कि अपने आप से संतुष्ट रहना, अपनी चीज़ों से संतुष्ट रहना सीख जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, फोर्थ पॉइंट कि हमें अपनी एक तपस्या करनी है। अब तपस्या हमें पहाड़ों पर जाके एकांत में नहीं करनी, हमें तपस्या करनी है सिर्फ अपने फ़ोन से 2 घंटे दूर रहने की। उससे क्या होगा, हम एक घंटा, उसमें से सिर्फ एक घंटा अगर हम अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं, और अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को हम एक घंटा जो देंगे उससे जो खुशी मिलेगी वो पैसों से कभी नहीं मिल सकती। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। फिफ्थ पॉइंट, हम ये कह सकते हैं कि अपनी जो सेंशुअल जो आपकी प्लेजर है उसको थोड़ा सा कम करें। अब सेंशुअल प्लेजर को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, कि जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, इनकी जगह सिंपल रोटी सब्जी खा लें। नाइट क्लब्स की जगह आप सुबह शाम पार्क चले जाएं, और जितना पैसा आप अपनी गर्लफ्रेंड्स पे खर्च करते हैं ना, उसका 50% भी अगर आपने घर के बूढ़े बुजुर्गों पे खर्च करेंगे ना, तो आपके ये जन्म तो क्या आगे के सारे जन्म सुधर जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने पैसों का सोच समझ कर खर्च कीजिए, और इन 5 टिप्स को यूज़ करते रहिए। डेली एक्सरसाइज करना, अपनी ज़रूरतों पे लगाम लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलना, और स्मार्टफोन से थोड़ी सी दूरी बनाना, और अपने सेंशुअल प्लेजर्स को भी थोड़ा सा कम कर देना। ये 5 आपको इतनी पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करेंगे, एक संतुष्ट लाइफ जीने के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।